अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू ने एक इंटरव्यू के दौरान मीडिया पर चल रहे बायकॉट ट्रेंड के बारे में बात की। अनुराग कश्यप ने कहा कि मैं काफी लेफ्ट आउट महसूस कर रहा हूं। मैं भी चाहता हूं कि मेरी फिल्म को बायकॉट किया जाए। उन्होंने जनता को रिक्वेस्ट करते हुए बोला कि प्लीज मेरी फिल्म को भी बायकॉट कीजिए और ट्विटर पर ट्रेंड कराइए। दरअसल अनुराग कश्यप की एक नई मूवी हाल ही में आने वाली है जिसमें तापसी पन्नू लीड रोल में नजर आएंगी। फिल्म को काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है लेकिन अक्षय कुमार और आमिर खान की मूवी की तरह ये मूवी उतनी चर्चा में नहीं है। इसको लेकर अनुराग कश्यप काफी चिंता में है कि कोई भी उनकी मूवी को लेकर बात ही नहीं कर रहा है, ना तो कोई उसके बारे में पॉजिटिव रिस्पांस दे रहा है और ना ही कोई उसे बायकॉट करने की बात कर रहा है। आपको बता दें कि अनुराग कश्यप की नई मूवी जिसका नाम दोबारा है वो 19 अगस्त को आने वाली है, जिसकी प्रमोशन में तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप काफी जोरों शोरों से लगे हुए हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि किसी मूवी को बायकॉट ट्रेंड कराना मूवी को प्रमोट कराने का एक नया तरीका हो सकता है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया।